आज की इस वीडियो में सुपरमैन और थॉर नंबर वन पर नहीं है, तो कौन होगा नंबर वन सुपर हीरो? अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेस्ट सुपर हीरो कौन है, तो या तो तुम मार्वल का सुपर हीरो बताओगे या डीसी का सुपर हीरो बताओगे, क्योंकि अब तक के बेस्ट सुपर हीरो हमें इन्हीं दो सिनेमैटिक यूनिवर्स से मिले हैं। मार्वल और डीसी की फाइट तो बहुत टाइम से चली आ रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा सुपर हीरो सबसे पावरफुल है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 10, द इनक्रेडिबल हल्क। हल्क एक गामा रेडिएशन और सुपर सीरम से बना हुआ एक मॉन्स्टर है। अगर हल्क की पावर की बात करें तो हल्क को जब भी गुस्सा आता है तो उसके गामा हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हल्क कन्वर्ट हो जाता है मॉन्स्टर में। इसकी सुपर पावर इसका गुस्सा ही है। हल्क जितना गुस्सा करेगा उतना बड़ा होता जाएगा। माना जाता है कि कॉमिक्स में हल्क इतना गुस्सा कर जाता है कि वो फट ही जाता है, लेकिन हल्क को वीक बनाते हैं उसके इमोशंस, जिनकी वजह से कोई भी हल्क को आराम से हरा सकता है, इसलिए लिस्ट में नंबर 10 पर है। नंबर 9 पर है आयरन मैन। अगर आयरन मैन की बात करें तो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की शुरुआत ही आयरन मैन ने की थी, और हल्क को रोकने वाला भी आयरन मैन ही था। आयरन मैन ने अपना सूट इतना एडवांस बनाया था कि एवेंजर एंड गेम में थैनोस से काफी देर तक लड़ भी पाया था, और थैनोस का एक ड्रॉप ब्लड भी निकाला था, और लास्ट में आयरन मैन ने इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ स्नैप करके इस दुनिया को भी बचाया था। फिर भी आयरन मैन इस लिस्ट में नंबर 9 पर ही रह गया। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले सुपर हीरो और भी पावरफुल हैं। नंबर 8 पर एक नहीं दो सुपर हीरो हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा था कि स्कारलेट विच कितनी ओवर पावर्ड हो गई थी, लेकिन मैं डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा को बराबर क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि देखो, स्कारलेट विच ने डार्क होल्ड पहले ही पढ़ ली थी, जिसकी वजह से उसके मैजिक और भी स्ट्रांग हो गया था, पर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने मूवी के लास्ट में जाकर डार्क होल्ड का यूज किया था, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, व्हाट इफ के एपिसोड में जब डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड को पूरा पढ़ लेता है, अच्छे से यूज कर लेता है, तो पूरे यूनिवर्स तक को भी खत्म कर देता है। इतनी पावर्स होने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज नंबर 8 पर? रुको जरा, सबर करो। नंबर 7 पर है ब्लैक एडम। वैसे ब्लैक एडम की एंट्री अभी डीसी में होने वाली है, पर ब्लैक एडम एंटी सुपर हीरो है जो कि फाइट लेने से पहले ये नहीं सोचता कि सामने कौन है। इसकी पावर्स की बात करें तो इसमें लाइटनिंग के साथ साथ एंड्योरेंस पावर भी है। ब्लैक एडम इतना स्ट्रांग है कि ये सुपरमैन तक को भी टक्कर दे सकता है, और ये सुपरमैन की तरह उड़ भी सकता है, पर फिर भी ये इस लिस्ट में नंबर 7 पर। तो एक और सुपर हीरो है जो ब्लैक एडम जैसी पावर्स रखता है और इससे भी ज्यादा पावरफुल भी है। नंबर 6 पर है शज़ैम। हाँ, ये वही सुपर हीरो है जो ब्लैक एडम से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर कॉमिक्स के हिसाब से बताऊं तो शज़ैम ब्लैक एडम से भी ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट ब्लैक एडम को पावर शज़ैम ने ही दी थी। वैसे तो शज़ैम और ब्लैक एडम की पावर सेम है, स्पीड, लाइटनिंग, एंड्योरेंस, पर जैसा मैंने बताया कि ब्लैक एडम को पावर देने वाला शज़ैम है, तो इस लिस्ट में नंबर 6 पर है। नंबर 5 पर है फ्लैश। फ्लैश डीसी का सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो है। मार्वल के पास भी एक फास्टेस्ट सुपर हीरो है जिसका नाम क्विक सिल्वर है, पर वो फ्लैश की बराबरी कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फ्लैश इतना फास्ट है, वो एक बार इतनी तेज भागा था कि फ्लैश ने टाइम रिवर्स ही कर दिया था। मतलब सोच सकते हो कि वो कितना तेज भागा था, कितनी स्पीड हो गई, इसने टाइम ही रिवर्स कर दिया। इस हिसाब से फ्लैश डीसी और मार्वल दोनों में ही सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो बन गया। नंबर 4 पर है डेडपूल। डेडपूल मार्वल का सबसे बैडेस्ट कैरेक्टर है, और साथ ही साथ ये एंटी हीरो भी है। डेडपूल की हीलिंग पावर की वजह से डेडपूल इमॉर्टल कैरेक्टर बन जाता है। मतलब डेडपूल को आप कहीं से भी काट दो, लेकिन वो वापस से हील होके आ जाएगा। कॉमिक्स के हिसाब से डेडपूल थैनोस से भी टक्कर ले चुका है, और थैनोस डेडपूल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। नंबर 3 पर है सुपरमैन। अगर डीसी का सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर थर्ड पर है, तो नंबर 2 और नंबर 1 पर कौन है? बताता हूँ, पहले ये सुनो कि ये नंबर 3 पर क्यों है। अगर सुपरमैन की पावर की बात करें तो सुपरमैन अपनी आंख से लेजर बीम भी निकाल सकता है, और ये अपनी बॉडी पावर से एक प्लेनेट तक को भी तोड़ सकता है। अगर सुपरमैन की स्पीड की बात करें तो जस्टिस लीग में फ्लैश को सुपरमैन ने जिस हिसाब से देखा था, उस हिसाब से फ्लैश भी सुपरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और रही बात इस लिस्ट में नंबर 3 पर होने की, तो वो ऐसा इसलिए है, सुपरमैन की वीकनेस क्रिप्टोनियम है, जिसकी वजह से सुपरमैन खून तक दे जाता है, इसलिए इस लिस्ट में नंबर 3 पर रह गया। बाकी आगे आने वाले कैरेक्टर में देख लो नंबर 2 और नंबर 1 पर कौन है। नंबर 2 पर है थॉर। अरे भाई, अगर थॉर भी नंबर 2 पर है, तो नंबर 1 पर कौन है, जल्दी बता दे। बताता हूँ, उससे पहले ये सुन लो कि थॉर सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल कैसे है। तो देखो, थॉर एक गॉड है जो कि जाना जाता है गॉड ऑफ थंडर के नाम से। थॉर के अंदर लाइटनिंग पावर है, एंड्योरेंस पावर है, और हीलिंग पावर भी है, जो कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखी थी, जब थॉर नियोन स्टार की एनर्जी तक को झेल जाता है। बाकी थॉर अपने स्ट्रॉन्ग बेकर के साथ मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो भी बन जाता है। और रही बात सुपरमैन से भी पावरफुल होने की, तो सुपरमैन की कमजोरी क्रिप्टोनियम है, जिसकी मदद से थॉर सुपरमैन को आराम से हरा सकता है, और थॉर की कोई भी कमजोरी नहीं है। और थॉर के पास 1500 साल का बैटल एक्सपीरियंस भी है, जिसकी मदद से थॉर आराम से लड़ाई ले सकता है किसी से भी। नंबर 1, मैं नहीं बताऊंगा।
नंबर एक पर है घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर मार्वल का सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर है जो कि एक एंटी हीरो भी है। घोस्ट राइडर इतना पावरफुल है कि वो सामने वाले को आंख में देखकर ही मार सकता है और उसकी सोल भी निकाल लेता है। और घोस्ट राइडर 2 में तो उसकी पावर और भी स्ट्रांग हो गई थी, जिसकी वजह से वो और पावरफुल हो गया है। और रही बात इसके नंबर 1 होने की, तो इसकी कोई भी कमजोरी नहीं है। और कॉमिक्स के हिसाब से घोस्ट राइडर ने सारे मार्वल कैरेक्टर्स को आराम से मार रखा है, यहाँ तक कि थैनोस को भी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अगर तुम्हें मार्वल के टॉप 10 पावरफुल सुपर हीरो देखने हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो। अगर तुम्हें मार्वल के टॉप 10 एंटी सुपर हीरो देखने हैं तो राइट वाली वीडियो को देख लो। टाटा बाय बाय।